मेरे सामने बहुत कुछ रखा है, DSLR, GoPro, फिर है माइक एंड मोबाइल, ऑल ये सब है, बोया का ऑल दिस थिंग्स सर, साउंड रिकॉर्डर्स, ऑल दिस स्टफ्स। तो आज का वीडियो है कंप्लीटली टेक्निकल वीडियो, क्योंकि यूट्यूब में काम करने के लिए क्या क्या टेक्निकल चीज़ आपको चाहिए, कौन सा जगह पे आपको कितना इन्वेस्ट करना है, इसका प्राइस कौन सा कितना है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। और क्या क्या चीज़ फालतू में मैंने खरीदा उसका कभी भी मैंने इस्तेमाल अभी नहीं कर रहा हूँ, पैसा इन्वेस्ट करके मैं वेस्ट कर दिया मनी को। तो ये इन्फॉर्मेशन, ऑल दिस विल हेल्प यू, अगर आप यूट्यूब में काम कर रहे हो, यूट्यूब में एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, व्लॉग कर रहे हो, ट्यूटोरियल चैनल कर रहे हो, कुछ भी कॉन्टेंट बना रहे हो, यकीन मानो ये ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन होने जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों मेरा नाम है विशाल, मैं 3 साल से यूट्यूब के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरा है चार्टो चैनल, एक है व्लॉग का चैनल, आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ ट्रैवल ब्लॉगर। सेकंड है मेरा एक ग्रूमिंग के ऊपर चैनल, मैं ग्रूमिंग वाला चैनल है विशाल लाइफ स्टाइल, वहाँ पर लगभग 2.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। एक है एडुकेशनल चैनल, बेसिकली आई एम इंग्लिश ट्रेनर, आई डू टीच इंग्लिश। इंग्लिश चैनल से एक मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का चैनल है। तो चार चैनल चलाते चलाते 3 साल यूट्यूब में काम करते करते मेरा तो एक फ्रेश आइडिया हो चुका है, मैं थोड़ा सा नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। सो ये वीडियो ऑल अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट यू मस्ट नीड टू बी अ गुड यूट्यूबर। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ वन आफ्टर वन। जब मैं यूट्यूब में आया था, द फर्स्ट थिंग यूट्यूब में जब आया था, जो पहला चीज़ से मैंने यूट्यूब का जर्नी शुरू किया था, दैट इज़ द DSLR। ये है कैनन का 200D, दिस इज़ द कैनन 200D, बहुत ही तगड़ा कैमरा है। आई स्टार्टेड माई यूट्यूब जर्नी विथ दिस, मैं DSLR से शुरू किया था। इसका प्राइस है लगभग 40,000 40,000 के आसपास। और ये इस कैमरा के साथ मैंने लिया था तीन लेंसेज, एक बार नहीं एक एक बार लिया है। तो पहला जो लेंस मैं इसके साथ लाया पाया था, दैट इज़ अ किट लेंस, दैट इज़ अ 1855, ये बेसिक किट लेंस है, बहुत ही बढ़िया लेंस है। मैं पहले का एक साल मेरे लाइफ में इस कैमरा से ही मैंने शूट किया, सॉरी इससे पहले भी एक निकॉन का कैमरा था, बस उसके कुछ फोकस में, ऑटो फोकस में प्रॉब्लम था, तो मैं उसको हाफ दम में बेच दी, उसके बाद मैंने ये खरीदा था। सो दिस इज कैनन। इसके ऊपर है मेरा तीन लेंसेस, एक 1855 जो किट लेंस मैंने खरीदा है, एक है ये 50mm, दिट इज़ द अमेजिंग फोटोग्राफी के लिए, अगर कुछ आप वीडियो शूट कर रहे हो लो लाइट में, 50mm लेंस बहुत ही अच्छा है। इसका मार्केट प्राइस पड़ा था लगभग 8,000 के आसपास। उसके बाद मैंने खरीदा था दुनिया का सबसे बढ़िया वाइड लेंस व्लॉग के लिए, जो मैंने खरीदा था वाइड लेंस, दैट इज द 10-18, उसका प्राइस पर लगभग 17,000, 16,700-18,000 अप्रोक्सीमेटली, वो 7-8 महीने एक साल बाद ही मैंने खरीदा था। बिकॉज ये सब लेंस में आपको फिशाई इफेक्ट आ जाता है, मीन्स आपको फेस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा ऐसा आपको दिखाता हूँ, ऐसे एकदम घुस जाता हूँ एकदम पूरा लेंस के अंदर, अच्छा नहीं लगता था, वाइड फ्रेम नहीं था। इसके लिए मुझे खरीदना पड़ा 10-18 लेंस, दैट इज द बेस्ट लेंस फॉर द व्लॉगिंग। उसके बाद जो दिक्कत मुझे इस DSLR से आया व्लॉग करने के लिए, दैट इज एक DSLR लेके भाई इंडिया में पब्लिक प्लेस में व्लॉग करना बहुत ही मुश्किल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं जब इंटरनेशनल ट्रिप में कहीं भी जाता हूँ, इजिप्ट में जाता हूँ, सिंगापुर में जाता हूँ, मलेशिया में जाता हूँ, थाईलैंड में जाता हूँ, नेपाल में जाता हूँ, दैट इज़ वेरी गुड, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जाओ अगर DSLR लेके जाओ, दैट इज़ चलो ओके फाइन। बट अब जब व्लॉग का मतलब ये आप डेली लाइफस्टाइल जब व्लॉग कर रहे हो, सपोज बाजार जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से कहीं पर जा रहे हो, वहाँ पर एक DSLR को लेकर घूमना, उसका जो गोरिल्ला पॉड होता है, मेरा गोरिल्ला पॉड भी यहाँ पर नहीं है, घर में रखा हुआ हूँ, तो गोरिल्ला पॉड लेकर अगर जाओगे तो भाई लोग काम धाम छोड़ के सिर्फ आपको ही देखेगा। तो मैंने डिसाइड किया क्या व्हाट कुड बी द सोल्यूशन ऑफ दैट, तब मैंने मूव किया टू माई सेल फोन, दिस इज़ द Vivo S1 Pro। इससे पहले भी मैं एक सैमसंग के मोबाइल से मैं शूट करता था और मैं उसका वॉइस रिकॉर्ड करता था ऐसे हेडफोन से। तो वेरी सिंपल मोबाइल, एक यूज़ टू बहुत ही अच्छा एक सोल्यूशन था। मैं ये पूरा इसको मैं ऐसे अंदर मैं पूरा डाल देता था, जस्ट लेट मी शो यू, ऐसे अंदर डाल देता था और कैमरा को ठीक ऐसे ही सामने करके आईज टू शूट एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा हेल्प करता, लोगों का अटेंशन इतना नहीं मिलता था, बट हैंडी भी है, छोटा है, एक काम हो जाता। बट मोबाइल का प्रॉब्लम क्या है, मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा यूज़ करोगे इतना वाइड फ्रेम नहीं मिलता है फॉर द व्लॉगिंग। पर मेरा जो एडुकेशनल चैनल है, ट्यूटोरियल चैनल है, जो घर में मैं बैठे मैं स्टूडियो में बैठे मैं शूट कर लेता हूँ, उसके लिए मोबाइल इज़ वेरी गुड, दैट इज़ वेरी इजी। अभी भी मैं शूट कर रहा हूँ मेरा दूसरा मोबाइल से,
तो मोबाइल से शूट करो, मोबाइल से ही मैं एडिट कर देता था, मोबाइल से अपलोड कर देता, बहुत चीज़ हैंडी हो जाता है मोबाइल से। अगर आप हर दिन वीडियो करना चाहते हो, आपके साथ आप कोई काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम जस्ट जॉबर, मैं काम करता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, तो हर दिन अगर आपको कुछ शूट वूट वगैरह करना है तो हर दिन आप DSLR से शूट करके उसको निकाल कर कंप्यूटर PC में डाल कर एडिट करो, उसको अपलोड करो, इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो मोबाइल से क्या हो जाता था, बस से ट्रेन से जाते जाते मैं एडिट करके पावर डायरेक्टरी से मैं अपलोड कर देता था यूट्यूब में, सो दैट इज़ वेरी गुड। और उसके लिए और इस मोबाइल से मैं जो ब्लॉक करता था, इस हेडफोन से मैं रिकॉर्ड करता था। और जब मैं साउंड के सिस्टम में बोलने वाला हूँ उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू आउट, और अभी अभी जस्ट 1-2 महीना हुआ है मैंने खरीदा है ये चीज़, दैट इज माई GoPro Hero 8 मैंने खरीदा। लेट मी शो यू, दैट इज GoPro Hero 8। ये GoPro Hero 8 का प्राइस है लगभग अराउंड 28,000 इन माई लोकल मार्केट, 28,000। क्यों? बिकॉज मैं रहता हूँ कोलकाता में, कोलकाता में GoPro का कोई सर्विस सेंटर नहीं है, तो सर्विस सेंटर नहीं है, अगर GoPro का कोई इशू हो जाएगा, कोई टेक्निकल कुछ इशू, सर्विस सेंटर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पे नहीं है, तो नहीं है, तो हम इसका जो वारंटी वाला सीन लेके क्या करोगे। विद द वारंटी GoPro Hero 8 का प्राइस पड़ता है लगभग 34,000, अगर विदाउट वारंटी लोगे इसका प्राइस पड़ता है ओनली 28,000 कोलकाता मेट्रो गली में। तो चीज़ मैंने डिसाइड किया, भाई GoPro का अगर प्रॉब्लम ही आ जाएगा तो कोई वारंटी सेंटर नहीं है, सर्विस सेंटर नहीं है, मैं इसको मैं भेज नहीं सकता हूँ, तो ऐसा लोकली किसी दुकान से मुझे ठीक करवाना, जो GoPro जो रिपेयर करते जो टेक्नीशियंस है, तो इसीलिए इतना पैसा बचा लिया मैंने लगभग 6,000 और कहाँ पर 28,000 का डिफरेंस है बचा करना, विदाउट मैं वारंटी मैं ये GoPro 8 मैंने खरीदा है। तो ये तो हो गया मेरा टोटल कैमरा के चीज़। अभी मैं बात करूँ बहुत बहुत साउंड, देखो यूट्यूब वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जानना चाहिए, दैट इज़ अबाउट योर साउंड सिस्टम। देखो वीडियो क्वालिटी थोड़ा एवरेज होगा तो चलेगा, बट अगर साउंड ठीक ठाक नहीं है, एक क्लियर क्लैरिटी साउंड अगर आपको वीडियो में नहीं आ रहा है तो वीडियो छोड़ के लोग भाग जाएगा। तो मेरे पास है 4 ऑप्शन फॉर द साउंड रिकॉर्डिंग, जो मैं पहले इस्तेमाल करता था, दैट इज़ द ये है बोया का माइक, है बोया का बहुत ही एक एडवांस नेक्स्ट लेवल माइक है, इसका दाम है लगभग 2600 अराउंड। और इसके बाद भी बोया का एक दूसरा भी माइक है M1 समथिंग और M2, मुझको एग्जैक्टली ऐसे ही शॉटगन है, उसका दाम थोड़ा सा कम है, दैट इज़ अराउंड 1400-1500 ऑनलाइन मिल जाएगा, वो भी मेरे पास घर में रखा हुआ है, वो मुझको मैं ला नहीं पाया। दिस इज़ द माइक, ये दोनों माइक मैं इस्तेमाल करता हूँ। इसमें साउंड देखो, यहाँ पर साउंड आपका एडजस्ट करने का भी टाइम मौका मिलता है, साउंड को ऑफ थोड़ा सा ऐसे आप ऑन करोगे तो ऐसे देखो लाइट जल चुका है, तो अब वॉल्यूम जो साउंड जो क्या बोलते हैं उसको जो डेसिबल अप एंड डाउन कर सकते हो, यू कैन डू ऑल दिस। ये मेरा पहला शॉटगन है, दो शॉटगन है, दिस इज़ वन ऑफ दैट। उसके बाद मैं जो व्लॉग में शूट करता हूँ आई यूज़ माई हेडफोन। अगर आपके पास एक अच्छा सा हेडफोन है, यकीन मानो बाहर जाकर एक बहुत ही क्रिस्पी साउंड आप रिकॉर्ड कर सकते हो थ्रू योर फोन। और इस हेडफोन को बाय गॉड मैं हद से ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया फॉर माई ऑल टाइप ऑफ शूट्स, मेरा व्लॉग शूट में, मेरा जो एडुकेशन ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो है, हद से ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया इस माइक से, सॉरी इस हेडफोन से, और वेरी सेटिस्फेक्टरी, बहुत ही अच्छा साउंड आता है। जो तीसरा साउंड का जो मैंने इस्तेमाल कर, दैट इज़ द बोया का ये माइक, अभी भी जो मैं इस्तेमाल कर आप देख सकते हो बोया का ये माइक, इसका प्राइस है लगभग 800-800 रुपये, दैट इज़ अमेजिंग। एंड GoPro का कोई साउंड ऐसे मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लगभग मैं कुछ दिन पहले एक सी बीच वैकेशन में गया था, 1-2 वीक पहले, वहाँ पर मैंने GoPro का टोटल मैंने आउटडोर शूटिंग एक्सपीरियंस किया। मेरा मानना ये है GoPro का एक्सटर्नल माइक चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो कोई बात नहीं, दिस का साउंड जो इनबिल्ट जो साउंड कैच करने की इसका जो क्षमता है, पावर है, दैट इज़ अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। और ये जो स्टिक मैंने खरीदा है, दैट इज़ इसका प्राइस पड़ा अराउंड 300, ये GoPro का स्पेशल स्टिक्स है, सो यू कैन डू दैट, इतना बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है, GoPro ऐसे ही बहुत ही वाइड फ्रेम देता है, आप ऐसे ही शूट करोगे तो कंप्लीट फ्रेम आ जाता है। तो ये तो हो गया टोटल सेटअप के बारे में, अब मैं आ रहा हूँ किस चीज़ पे अगर इन्वेस्ट करना है, किस चीज़ में अगर इन्वेस्ट आपको नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों 3 साल यूट्यूब में काम करते हुए मुझको एक चीज़ पता चल गया है, यकीन मानो ऑल दिस टेक्निकल चीज़ आप जो देखा है आपको,
ये चीज़ आता है सेकेंडरी, इट इज़ नॉट द प्राइमरी। पहला चीज़ ये नहीं है, ये है सेकेंडरी चीज़। पहला चीज़ है आप खुद, यू आर द फर्स्ट वन। अगर आपके अंदर वो एक्स फैक्टर नहीं, आपके अंदर बात करने का जो करिश्मेटिक पावर नहीं है, आप गोप्रो 8 छोड़ दे, गोप्रो अगर 9, गोप्रो 10 भी ले लो जो अभी भी मार्केट नहीं है, एक दो साल बाद आएगा शायद, गोप्रो 10 भी इस्तेमाल करोगे, लोग आपका वीडियो लाइक नहीं करेगा। तो फर्स्ट श्योर आप तो ये दिमाग में डाल लो, फर्स्ट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा खुद के ऊपर। यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू हैव टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। कैसे आप बात कर रहे हो आपके सब्सक्राइबर दोस्तों के से, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। अगर ये सब चीज़ आपको इम्प्रूव कर लोगे, आप मोबाइल से शूट करो, DSLR से शूट करो, GoPro से शूट करो, दैट डजेंट मैटर। इंडिया का एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है बुमन बांग, बीबी की वाइन, देखो उसके पास तो पैसे का आप कमी नहीं, वो भी अभी भी स्टिल ही शूट्स विथ हीज मोबाइल। तो क्यों? उसका कॉन्टेंट। तो यूट्यूब में ये सब चीज़ तो आप यूज़ कर सकते हो, जब पैसे आ जाते तो ऑटोमेटिक आ जाता है, बट खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट भाई पहले चाहिए। मैंने बहुत ऐसा देखा है जिसके बाद ये सब कुछ, इससे भी ज़्यादा कुछ है, उसका तो प्रोफेशनल फोर, आप कैमरा छोड़ दो, बोल दो एक एक उसको क्या कैमरा बोल, सोनी का अल्फा कैमरा भी है, उसके बाद भी ही कांट इवन टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। अगर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आप एंटरटेन नहीं कर सकते ऑडियंस को, ऑडियंस विल नॉट लिसन टू यू। तो मेरे भाई मेरे दोस्तों, अगर यूट्यूबर बनना है, ये टेक्निकल चीज़ को साइड में रखो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो, बिलीव मी पैसा आएगा, ये सब चीज़ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा सजेशन, एक एक चीज़ को मैं बोल देता हूँ, अगर आप व्लॉग चैनल करना चाहते हो, DSLR मत खरीदो, ऑनेस्टली स्पीकिंग बेटर है आप GoPro खरीद लो। GoPro कौन सा खरीदना है, GoPro अगर आप खरीदना चाहते हो इनिशियल लेवल में, पैसे का थोड़ा सा कम है, तो मेरा मानना ये है आप GoPro Hero 7 ब्लैक खरीदो, बिलीव मी अमेजिंग कैमरा है, अमेजिंग है। GoPro Hero 8 खरीदने के बाद मुझको रियलाइज हुआ, मैं दोस्त मेरे एक दोस्त के पास Hero 7 ब्लैक है, इट इज़ मच Hero 7 ब्लैक 8 से मच बेटर है, बहुत ही कंपैरिजन। अगर YouTube में बहुत ऐसे कंपैरिजन वीडियो देख लो लेंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, 19-20 का डिफरेंस है, बट बाकी बहुत ही बेटर है, पैसे का बहुत ही डिफरेंस है। एक Hero 7 आपको मिल जाएगा 22,000-23,000 में, आपको अप्रॉक्सीमेटली मारा मिल जाएगा, आपको 22,000-23,000 में मिल जाएगा आपको। तो दिस इज़ द थिंग, 22,000-23,000 से आप एक GoPro खरीद लो, DSLR खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ट्यूटोरियल रिलेटेड वीडियो बना ले हो, तब आप मोबाइल से काम चल रहे हो, अच्छा खासा अगर मोबाइल है, यू कैन एक बोया का ये माइक खरीदा दैट आई एम यूजिंग 800 रुपये से, दैट इज मोर देन एनफ। तो दिस इज द ऑल अबाउट द सेटअप इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश किया अबाउट द माई सेटअप, एंड आप अगर प्लानिंग कर रहे हो खुद का सेटअप करने के लिए, कैमरा खरीदने के लिए, यू कैन चूज ऑल दिस थिंग्स। बट बाई गॉड, पैसा नहीं है तो कोई फिक्र नहीं है, मोबाइल है शुरू कर दो मोबाइल से भाई, क्योंकि मेन चीज़ है आपका कॉन्टेंट, ये टेक्निकल चीज़ नहीं, लोग नहीं देखते आप किससे शूट कर लो, ये लोग देखता है कैमरा के सामने कौन है, लोग देखते हैं कैमरा के सामने जो बैठा है बंदा वो कैसे बात कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द वीडियो, ज़्यादा बड़ा हो गया है, एक्सट्रीमली सॉरी, बट बहुत दिल से बात कर रहा था आप लोगों के साथ, तो हो गया। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट द वीडियो, एंड यहाँ पर ख़त्म करते हैं, होप्स यू एंजॉयड द इन्फॉर्मेशन। वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मेरे भाई मेरे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।